स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन के सरवानी में जल संरक्षण अभियान के तहत ग्राम मनकवाड़ा में विधायक ने भूमि पूजन किया। क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने किया तालाब मरमट का भूमि पूजन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल संचयन योजना के अंतर्गत तहसील सरवानी के ग्राम मनकवाड़ा, चिंगवाड़ा, चिकली सहित तहसील के ग्रामों में योजना के तहत पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत द्वारा भूमि पूजन किया गया। योजना के अंतर्गत तहसील सरवानी के 26 तालाबों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य किया जाना है, जिससे पेयजल के अलावा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी का संचयन किया जाना है। योजना की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना से पानी का संचयन कर जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे पेयजल एवं कृषि सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था होगी, जिससे क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, जनपद सीईओ रश्मि चौहान, सरपंच दादू बीर, सचिव साहस सिंह लोधी, रोजगार सहायक कैलाश रघुवंशी, साईखेड़ा पंचायत सचिव गजेंद्र लोधी सहित ग्रामीण उपस्थित थे। सिलवानी संवाददाता मदन वर्मा की रिपोर्ट। जल संचय अभियान मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाया जा रहा है, इससे सर आम जनता को क्या लाभ होगा? जल अभिषेक अभियान की शुरुआत माननीय शिवराज जी चौहान साहब मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले की थी। बीच में इस पे इसके फायदे पूरे प्रदेश में दिखे हैं। जल स्तर में भी वृद्धि हुई है। खेत तालाब योजना बनाई, इसका लाभ मिला कि किसानों के खेत में पानी, सिंचाई का रकबा बढ़ा, गांव में पेयजल व्यवस्था हो, मवेशियों को पीने के पानी की व्यवस्था, उसके लिए जरूरी है कि पुरानी जल संरक्षण आए, जो तालाब पहले से बने हुए थे, बावड़ी, उनकी मरम्मत का काम पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर आज के ये अभियान के रूप में शुरू किया गया है। निश्चित रूप से इससे पूरे प्रदेश को लाभ होगा, जल स्तर भी बढ़ेगा और जो लक्ष्य है, पवित्र लक्ष्य है, इसके पीछे यही है कि जल स्तर भी बढ़े, पीने का पानी मिले, मवेशियों को भी पीने का पानी मिले और पुराने जो हमारे तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करने का बड़ा साहसिक निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। ये बहुत अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। अभी कन्या पूजन किया गया है, बड़े उत्साह के साथ आज मनकवाड़ा और हमारे सिलवानी ब्लॉक के लगभग टोटल कितने 26 तालाबों का जीर्णोद्धार का काम, मरम्मत का काम आज शुरू हुआ। एक बड़ी उपलब्धि सिलवानी तहसील के लिए, बेगमगंज के लिए, रायसेन जिले के लिए और मध्य प्रदेश के लिए। आज पूरे प्रदेश में जो अभियान चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इसका पूरा लाभ हमको मिले और उसकी पूरी चिंता जनप्रतिनिधि, सरपंच और हमारे जो स्वयंसेवी संगठन है, इस काम में लगें और इसको सफल बनाएं। सर, सिलवानी तहसील के अंतर्गत कितने ग्रामों के लिए मरम्मत कार्य शुरू हुआ है तालाब? अभी 27 तालाब जो पुराने हैं उनकी मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत की गई है। उसका आज से शुरुआत पूरे तहसील, पूरे जिले, पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है और आगे और कार्य योजना तैयार की जा रही है। पानी 22 गांव में पेयजल योजना पहले की थी और जो हमारा लक्ष्य है कि हर घर में टोंटी से नल शुद्ध पेयजल पहुँचाने का काम भी पूरा तैयारी चल रही है, उसका भी योजनाएँ बन चुकी हैं और 26 जगह का अभी हम शिलान्यास कर रहे हैं पेयजल योजना का। और इसी तरह पूरे क्षेत्र की विकास की योजना भी हमने तैयार की है, पेयजल से लेकर सिंचाई का रकबा भी बढ़े उसके लिए भी योजना हम बना रहे हैं, उसका भी लाभ पूरे जनता और किसान भाइयों को मिले। कृषि की आय बढ़ाने के लिए जो हमारी पेयजल योजना बढ़ाने का लक्ष्य है, उसका भी अभी चिनकी सिंचाई परियोजना से हमने क्षेत्र को लिया है, नर्मदा जी से जल लाने का 15 महीने हमारी सरकार ने इसलिए उस योजना को रोक दिया गया था, लेकिन अब उस योजना को भी माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है और तुरंत के टेंडर होंगे तो इससे करीब हमारे 80 गांव सिलवानी तहसील के सिंचाई हो जाएगी और सिंचाई भी नई पद्धति से होगी, नहरें भी नहीं खुदेगी, खेतों का और किसी तरह दिक्कत नहीं होगी, माइक्रो सिंचाई इरीगेशन पद्धति से वो योजना हम बना रहे हैं, उसका भी लाभ क्षेत्र को दिलाएंगे। सर, वर्तमान में जो पीएचई व्यवस्था, जो पीएचई विभाग द्वारा टंकियों का निर्माण किया गया है वर्षों पूर्व, वो आज बंद पड़ी है सर, उनके जीर्णोद्धार के लिए कोई ऐसी योजना संचालित नहीं हुई? जितनी है पुरानी जिले के अंदर, जब मैं पीएचई मंत्री था कई जगह मैंने यहाँ कराई थी, अपने सिलवानी ब्लॉक में
बेगमगंज में, रायसेन जिले में, पूरे प्रदेश में ही काफ़ी पेयजल योजनाएं की थी। कई योजनाएं इसमें अभी हमें जानकारी मिली है कि किन्हीं कारणों से कई जगह बिजली के बिल नहीं भरे गए, कई जगह बोर फेल हो गए हैं, तो इनकी पूरी समीक्षा हम जिले में बैठ के और जो हमारे पीएचई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं भोपाल के और माननीय मंत्री जी हैं उनसे चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको भी तुरंत शुरू करवाएंगे। और पूरी जो हमारा लक्ष्य है किसानों को शुद्ध पेयजल का बड़ा पवित्र लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे जी।